नमस्कार। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एमबीबीएस काउंसलिंग डिलेट चल रही है और ऑफ कोर्स अब नोटिफिकेशन आ गया है कि आईपीयू के फॉर्म जल्दी खुलेंगे और हिमाचल प्रदेश के फॉर्म जल्दी खुलेंगे। तो जब भी वो आ जाएंगे मैं आपको बता दूंगा, एडवांस में बताने का फायदा नहीं है कि फलाना डेट से खुलने वाले हैं, वो कौन याद रखता है। तो चूंकि मेरे पास थोड़ा टाइम है और मैंने अपने ये जो एडेड महीने होते हैं ये डेडिकेट कर रखे होते हैं एमबीबीएस इंडिया के लिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं और भी काम करता हूँ, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ फॉर बिग कंपनीज, वी आर ऑल्सो स्टडी अबाउट कंसल्टेंट, तो रूटीन काम है। लेकिन कोई मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग का प्रोजेक्ट नहीं उठाता इन दो महीनों में, या कोई करियर काउंसलिंग के जो फोन्स आते हैं, हमारे करियर बिल्डिंग के जो फोन्स आते हैं, जो कॉलेजेस में हम हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं रिगार्डिंग करियर काउंसलिंग एंड करियर मंटरिंग जनरली फॉर ऑल दी कोर्सेज, वो काम हम नहीं करते दिसंबर जैन में। एक्चुअली जब भी एमबीबीएस इंडिया काउंसलिंग के अगले दो महीने होते हैं, बिकॉज आई नो कि ये टाइम डेडिकेटेडली चाहिए होता है। तो चूंकि मैं थोड़ा फ्री हूँ, मैंने उस सब कामों के लिए मना कर रखा था, तो मैं दोबारा से निकला गाड़ी लेके परसों, और इस बार मैं फिर से देखने गया, लेटेस्ट होता है सीजन स्टार्ट होने से पहले, अबाउट दी कॉलेजेस ऑफ हरियाणा। और इस टाइम मैं दूसरे रूट पे गया, मैंने आदेश देखा, एमएमयू मुलाना देखा और एनसी कॉलेज इसराना देखा। और शायद मैं इस वीडियो में आपको ये कह सकता हूँ कि बहुत ऑब्जेक्टिवली मैं बता रहा हूँ कि वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर और एनसी कॉलेज इसराना दोनों ने बहुत डिसअपॉइंट किया, खासकर एनसी मेडिकल कॉलेज इसराना। देखिए बच्चों से ही मैंने बात की, कॉलेज के प्रशासन से बात की, और खुद भी उन्हें विजिट करने जाएंगे तो आपको एहसास हो जाएगा, मतलब कई चीज़ें नेगेटिव हैं, शायद एकमात्र पॉजिटिव चीज़ यही है कि आपको एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती है। लेकिन जो मुझे बच्चों ने भी बताया कि सर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं है, और एग्जाम्स में तो वी आर अलाउड टू चीट, यस वी आर अलाउड टू चीट, सर खुद ही बोलते हैं कि किताबें खोल लो, और सर भी बताते हैं क्योंकि ये बी डी शर्मा के अंदर आते हैं सारे कॉलेज हरियाणा के, एज वी नो अदर देन एसजीटी जो कि एक अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री देता है। तो चूंकि बी डी शर्मा का पेपर पास करना है तो, लेकिन सेंटर अपने ही कॉलेज में होता है तो खुल के चीटिंग होती है, तो आपका बच्चा पेपर पास कर लेगा। लेकिन जो शक मैंने बार बार बोला था जब से नेक्स्ट एग्जाम लॉन्च हुआ है कि अपने पेपर तो पास कर लोगे पर नेक्स्ट एग्जाम में क्या होगा जो आपको बाहर जाके देना होगा। सो वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर और एनसी कॉलेज इसराना के बारे में मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आई एम नॉट श्योर कि यहाँ के पढ़े बच्चे नेक्स्ट को कैसे पास करेंगे। और बात बताऊँ तो देखिए टेक्निकली वो दिल्ली से आप जाएंगे तो पानीपत मेन ब्रिज आने से पहले ही एक लेफ्ट में सड़क है जो फेमस रोहतक पानीपत हाईवे है, जो नया हाईवे बना था कुछ साल पहले, शानदार हाईवे है, आप लेफ्ट टर्न ले लेंगे तो अबाउट 10 किलोमीटर में कॉलेज आ जाता है, 12 किलोमीटर में, उससे पहले टोल भी आता है जो फिलहाल बंद है। तो बिल्कुल हाईवे पे है कॉलेज, पानीपत शहर वालों के लिए पहुंचना बहुत आसान है, और शायद इसलिए जो लोकल स्टाफ है वो ज्यादातर वहीं से आता होगा। लेकिन एक जो माहौल होता है पार्टन में, क्योंकि देखिए मैं खुद भी फंडामेंटली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, समालखा भी मेरा अपना गांव है, लेकिन वो कॉलेज का माहौल होता है, बच्चों ने मुझे कहा कि सर थोड़ा ना हरियाणवी माहौल है, मतलब टीचर भी प्रोफेसर्स भी माहौल भी जो बात करने का तरीका है थोड़ा खड़ा है। और सारे हरियाणा कॉलेजों में मुझे सर दो कॉलेजों में कल्चर दिखा, ऑफकोर्स पीजीएमएस रोहतक और मैं अग्रवा की बात नहीं कर रहा, इसराना और झज्जर। आदेश में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल पंजाबी कल्चर दिखा, मुलाना की तो बात ही अलग है, अलफला बिल्कुल ठीक था, एजीटी ठीक था, सो दोनों में ही बिल्कुल जाट कल्चर होता है, बड़ा ही कैजुअल एटीट्यूड है पढ़ाई को लेके, हॉस्टल का खाना बहुत ही बेकार है, इंफ्रा बहुत बेकार है, वॉशरूम्स में जाके आपको आइडिया लग जाता है कि कितना ध्यान दिया जा रहा है मेंटेनेंस पे, वो बहुत बेकार है, पेशेंट आउटफ्लो ना के बराबर है, सिर्फ और सिर्फ दो बसें चलती हैं जो यूपी से लोगों को लेकर आती है, तो आसपास के गांव वाले तो आते ही नहीं है, तो स्पेशली बस जाती है क्योंकि इस कॉलेज से जो यूपी बॉर्डर है जब वो पानीपत से क्रॉस करेंगे तो यमुना जाती है ना, तो मुझे गार्ड ने बताया बातों में कि सर 40 किलोमीटर दूर है बस, तो सुबह दो बसें जाती हैं और वो गांव के लोगों को भर के लाती हैं ओपीडी वगैरह के लिए, उसके अलावा कोई लोकल, देखिए मतलब कभी कभार गार्ड सच बोल जाते हैं, वो कहते हैं सर बड़ी शांति है, आप देखेंगे सर बड़ी शांति है, साफ हवा है, बिल्कुल शांति है। तो मैं वही सोच रहा था कि इतनी शांति चाहिए क्या टू बिकम अ गुड डॉक्टर, या आपको थोड़े कॉलेज में हलचल चाहिए, थोड़ी एनर्जी चाहिए, मतलब वो इतना शांत था कि मुझे ये लगा कि यहाँ पर तो बच्चे बस सोते रहेंगे दिन भर। और वही फिर मुझे बच्चों ने कंफर्म भी किया कि सर यहाँ तो बस मस्त सोते रहो, जो भी खाना मिल रहा है खा लो, क्योंकि देखिए कॉलेज बिल्कुल हाईवे पे है तो उसके आसपास कोई और ऑप्शन नहीं है,
सो जो भी ये खाना आपको देंगे आपको खाना पड़ेगा। अगर आपका मन कर रहा है चेंज करने का, कुछ डिफरेंट खाने का जो बच्चों का करता ही है, तो आपको पानीपत शहर जाना पड़ेगा। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि कई और कॉलेज में ये सुविधा है कि आपको एक दूसरा खाना भी आराम से मिले। कुछ भी छोटे मोटे काम है आपको बाहर जाना पड़ेगा, कॉलेज के अंदर कुछ भी नहीं है। हेयर कट आपको करवाना है तो आपको पानीपत शहर जाना पड़ेगा। ओवरऑल मैं जिस भी पर्सपेक्टिव से बोलूं, चाहे वो पेशेंट इनफ्लो हो, चाहे वो फैकल्टी क्वालिटी हो, चाहे वो स्टाफ की हो, चाहे वो हॉस्टल का मेंटेनेंस हो, ऑफकोर्स गर्ल्स बॉयज हॉस्टल सेपरेट हैं, चाहे वो खाने की क्वालिटी हो, चाहे वो ओवरऑल मेंटेनेंस हो, मतलब हर लिहाज से एनसी मेडिकल कॉलेज ने उतना डिसअपॉइंट किया है जो वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर ने करा। और शायद मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करूंगा मेरे हरियाणा के भाइयों को, आप यूपी से इतना मत डरें। यूपी में कुछ कॉलेजेस हैं जो फार बेटर पढ़ाई कराते हैं। और अब ये मैं सोचो कि हरियाणा के रहने वाले हैं तो बगल के बगल एनसी भेज दें या बगल के बगल वर्ल्ड मेडिकल झज्जर भेज दें। ऑफकोर्स आदेश काफी अच्छा है, मैं वो अलग से वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। एमयूबी मुलाना की तो बात ही अलग है, बिल्कुल वो तो शहर बसा हुआ है एक। और मैं इस वीडियो में दोबारा कहूंगा कि अगर मैं तीनों कंपेयर करूं, अल्फला एनसी और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर, तो तीनों में मैं अल्फला को ऊपर रखूंगा इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। मैंने बताया था उस वीडियो में कि वहां पर पेशेंट आउटफ्लो इनफ्लो काफी अच्छा है और जो माहौल है, जो कल्चर है, जो स्टाफ है, इट इज नॉन टिपिकल चार्ट, लेट मी पुट दिस वर्ल्ड, विच गिव्स अ बेटर एटमोसफेयर ऑफ एजुकेशन। क्योंकि जो टिपिकल चार्ट होते हैं बुरा बदमानी का, उनको थोड़ी पढ़ाई के प्रति उतनी सिंसियरिटी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और उसी अप्रोच से वो कॉलेज को भी चला रहे हैं। जब वो फोकस इस बात पे कर रहे हैं कि देखिए शांति है, आराम है, कोई शोर शराबा नहीं है, तो मतलब इस पे फोकस है बजाय कि इस पे कि भाई शांति नहीं होनी चाहिए ना, पेशेंट का इनफ्लो होना चाहिए, एम्बुलेंस आती जाती रहनी चाहिए, तभी तो डॉक्टर सीखेंगे। तो अगर शांति पे जोर दिया जा रहा है, साफ हवा पे जोर दिया जा रहा है एक मेडिकल कॉलेज में, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट वर्थ। तो आप फिर से सोचिए, मैं अपने भाइयों को कहूंगा इन तीनों में तो अल्फला बेटर है। और काफी कॉलेज राजस्थान के, यूपी के या उत्तराखंड के, हिमाचल वाला इससे बेटर हो जाता है। और जो मुझे इन्होंने खुद भी बताया है कि हम मोटा मोटी मान के चलिए हरियाणा के जो तीनों कॉलेज हैं, डिग्री फीस अब 12 लाख हो चुकी है, उसके अलावा 7.5% इंक्रीमेंट होता है, तो सब मिला के तीनों कॉलेजेस में आपका तकरीबन 80 लाख तो लग ही जाएगा। जी हाँ, मतलब जो फिलहाल इस साल फीस स्ट्रक्चर रहेगा, आप ये मान के चलिए कि इन तीनों में 80 लगेगा, एसजीटी में 91 लगेगा, एमएमयू मुलाना में भी 92-93 लगता है, तो उन दोनों में 90 और इन तीनों में 80। अगर मैं उससे कंपेयर करूं और यूपी में जिसमें सब कुछ कर करा के हॉस्टल मिला के 70-72 लग रहा है, दैट मीन्स आपके 7-8 लाख रुपये बच भी रहे हैं, प्लस बेटर कॉलेजेस हैं जो ढंग से कॉलेज चला रहे हैं। मतलब ये एनसी और मुझे वर्ल्ड मेडिकल तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगा कि भाई पैसे कमाने के लिए, एमबीबीएस डिग्री बेचने के लिए है। अल्फला में थोड़ा फिर भी मुझे थोड़ा सा एजुकेशन क्वालिटी बेटर लगी थी, लेकिन अब मान के चलिए क्योंकि अब नेक्स्ट भी पास करना है, तो ये दोनों कॉलेज तो किताबें खुलवा के आपके बच्चों को एमबीबीएस पास तो करवा देंगे, लेकिन नेक्स्ट का पास कैसे होगा, इस पर जरा दोबारा गौर से सोचिएगा। धन्यवाद।